तो चलिए अच्छे से वॉश करना है, ठीक है, डिस्क पैड को और डिस्क बॉक्स को और डिस्क प्लेट को, ठीक है गाइस। तो चलिए हम अच्छे से तीनों चीज़ को वॉश करते हैं, इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा आप लोग को आगे बताते हैं। इस तरह का सामान में आपको थोड़ा सा पानी ले लेना है और आपको इस तरह से डिटर्जेंट ले लेना गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम डिटर्जेंट ले लिए गाइस। डिटर्जेंट लेने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से घोर लेना है इस तरह से। डिटर्जेंट घोर लेने के बाद आपको क्या करना गाइस, जितना भी नट बोल्ट वगैरह ये सब सामान आप खोलेंगे गाइस, सभी आपको इसमें छोड़ देना है। डिस्क पैड को भी हम जो डिटर्जेंट में डाल दे रहे हैं, डिस्क बॉक्स को भी डाल दे रहे हैं और डिस्क प्लेट को भी, ठीक है गाइस। तो ये सब जो है अच्छे से आपको जो है वॉश कर लेना। तो चलिए हम फटाफट अच्छे से वॉश कर लेते हैं ताकि जरा सा भी ऑयल ना रहे, ठीक है, वॉश कर लेते फिर आप लोग को आगे बताते हैं। तो गाइस सारा सामान को अच्छे से साफ कर लेने के बाद आपको क्या करना है गाइस, जैसा कि डिस्क पैड आप देख रहे हैं, तो डिस्क पैड को आपको क्या करना है, कोई भी दूर-दूरा से जगह में आपको क्या करना है, हल्का सा रफ करना है इस तरह से गाइस। देखिए हल्का सा रफ करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, इस तरह से आपको रफ कर देना है दोनों ही डिस्क पैड को। तो चलिए हम दोनों ही डिस्क पैड को रफ कर देते हैं हल्का हल्का। जैसा कि गाइस हम दोनों ही डिस्क पैड को रफ कर दिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सारा सामान को आपको जो है पानी से अच्छे से धो लेना है, ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो गाइस अच्छे से साफ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, कोई फ्रेश कपड़ा लेना है और अच्छे से सारा पानी को आपको एकदम साफ कर देना है, यानी अच्छे से पानी को एकदम सूखने देना है। चलिए हम फटाफट ये सब को सुखा लेते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। सो गाइस बाकी सामान जब तक सूख रहा है तो हम डिस्क पैड को हीट कर लेते हैं। डिस्क पैड को हीट क्यों कर रहे हैं गाइस आप लोग को बताते हैं। जो डिस्क पैड आप देख रहे हैं इसमें ऑयलिंग का मात्रा ज़्यादा रहेगा गाइस, ठीक है, तो ऑयल जो है गाइस सूखेगा नहीं जब तक, तब तक सही से काम नहीं करेगा। तो वॉश करने के बाद आपको डिस्क पैड को हीट करना है इस तरह से गाइस, आपको हीट करना है, ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अच्छे से आपको हीट कर लेना, ठीक है गाइस। तो पहला को हम जो है हीट कर लेते हैं फिर दूसरा हीट करेंगे। तो इस तरह से आपको जो है गाइस कुछ देर तक हीट कर लेना है, जैसा कि गाइस देख पा रहे हैं। तो देखिए इसमें से जो धुइयां निकल रहा है गाइस हल्का हल्का, आप कैमरा में समझ पा रहे कि नहीं हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है गाइस। तो डिस्क निकलता है, डिस्क पैड में जो भी ऑयल वगैरह रहेगा वो आपका अच्छे से जो है सूख जाएगा, ठीक है गाइस, अच्छे से सुखा लेना है। हीट करेंगे तो जल के बाहर निकल जाएगा, ठीक है गाइस। तो देखिए इस तरह से, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए हम अच्छे से सुखा लेते हैं दोनों ही डिस्क पैड को फिर आप लोग को आगे बताते हैं। तो गाइस दोनों ही डिस्क पैड को जो हम अच्छे से हीट कर लिए, जैसा कि देख पा रहे हैं थोड़ा सा ब्लैक टाइप का हो गया गाइस, हल्का सा माइनर, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपको जो है हीट करने के बाद अच्छे से आपको ऑयल को सुखा लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब चलिए इसे फिट कैसे करना है आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं। डिस्क को किस तरह से फिट करना गाइस, जैसा कि डिस्क प्लेट आप देख रहे हैं, तो डिस्क प्लेट को जिस तरह से आप खोले थे उस तरह से आपको फिट कर लेना है। तो देखिए इसमें नट लगा हुआ, तो नट को हम खोल लेते हैं, ठीक है, इस तरह से नट को खोल लेना है, जो भी आप दागी वगैरह दिए थे उस सब सबको देख लेना है और इस तरह से आपको फिट करना है। तो चलिए हम फटाफट सारा नट को टाइट कर लेते हैं फिर आप लोग को आगे बताते हैं। सो गाइस जिस तरह से आप नट को खोले थे उस तरह से आपको नट को टाइट कर लेना है। लेकिन गाइस एक चीज़ बताना चाहेंगे, नट को जब आप टाइट कर रहे हैं तो नट को आपको फुल टाइट देना है, जरा सा भी लूज नहीं रखना, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देते हुए आपको फुल टाइट कर लेना है। तो डिस्क प्लेट देखिए हमारा व्हील में जो है फिट हो चुका है। उसके बाद गाइस डिस्क पैड को डिस्क बॉक्स में फिट करना है। जिस तरह से आप डिस्क पैड को खोले थे गाइस डिस्क बॉक्स से, उसी तरह से आपको फिट करना है, ठीक है। हम आपको बताए थे गाइस कि आपको लेफ्ट और राइट वाला आपको पैड देख लेना है, ठीक है, उस हिसाब से आपको देख लेना है। देखने के बाद इस तरह से डायरेक्टली आप पिन को लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं डिस्क का, ये स्प्रिंग को आपको इस तरह से फिट कर लेना है, एकदम आसानी से हो जाएगा गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो देखिए हम अच्छे से जो है स्प्रिंग को फिट कर लिए हैं पैड में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस। अब चलिए हम इसे डिस्क बॉक्स में फिट करते हैं। तो डिस्क बॉक्स हम ले लिए हैं और लेफ्ट राइट हम देख रहे हैं, तो लेफ्ट ये रहा। सो गाइस तो ये हमारा लेफ्ट साइड का था, ये हमारा राइट साइड का था, जैसा कि हम पकड़े हुए गाइस, तो ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, हमारा राइट साइड हो गया। तो आपको अपना हिसाब से देख करके फिट करना है, तो इस तरह से आपको फिट करना है, ठीक है। अंदर की ओर प्रेस करेंगे आस्ते से, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये देखिए अंदर की ओर प्रेस हो गया। उसके बाद आपको क्या करना गाइस, ये चीरा पिन लेने के बाद चीरा पिन को इस तरह से, जिस तरह से आप चीरा पिन को खोलेंगे उस तरह से आपको चीरा पिन को फिट कर देना है, एकदम अच्छे से आराम से हो जाएगा गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए चीरा पिन हमारा जो है फिट हो चुका है, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको तोता प्लायर ले लेना है। तोता प्लायर लेने के बाद इस तरह से चीरा पिन को आपको फैला देना है, ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ताकि चीरा पिन अपने आप बाहर ना आए, ठीक है, ऑटोमेटिकली बाहर ना आए। तो ये देखिए गाइस चीरा पिन हम जो फैला दिए, जैसा कि देख पा रहे हैं, तो इस तरह से आपको कर लेना है। डिस्क बॉक्स हमारा एकदम क्लियर हो चुका है। आप चलिए डिस्क बॉक्स को हम साइकिल में फिट करते हैं। जिस तरह से गाइस आप डिस्क बॉक्स को खोले थे उसी तरह से डिस्क बॉक्स को भी आपको फिट कर लेना है, ठीक है गाइस। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम नट दोनों को खोल लेते हैं, ये देखिए नट दोनों को खोल लिए हैं और इस तरह से जो है डिस्क बॉक्स को आपको फिट करना है, ठीक है, इस तरह से आपको डिस्क बॉक्स को जो है फिट करना है।
इस तरह से गाइस आपको डिस्क बॉक्स को फिट कर लेना है और एलेंकी स्पैनर से आपको जो है दोनों ही नट को एकदम फुल टाइट आपको दे देना है, ठीक है, जरा सा भी लूज नहीं रखना, फुल टाइट देना है। तो चलिए हम फटाफट फुल टाइट दे लेते हैं, फिर आप लोग से आगे मिलते हैं। गाइस डिस्क बॉक्स को फिट करने के बाद आपको क्या करना है, व्हील को जिस तरह से आप खोले थे गाइस व्हील को उस तरह से आपको फिट कर लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए हम फटाफट पहले फिट कर लेते हैं, फिर आप लोग को आगे बताते हैं। सो गाइस डिस्क को कंप्लीट कर लेने के बाद व्हील को जब हम फिट किए गाइस, व्हील को फिट करने के बाद गाइस जैसा कि हम देखें, ये जैसा डिस्क प्लेट आप देख रहे हैं गाइस, तो थोड़ा सा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम बता रहा है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैमरा में, आप समझ पा रहे कि हम नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा अलाइन का प्रॉब्लम बता रहा है गाइस डिस्क प्लेट। तो इसे आपको सीधा कैसे करना गाइस, अगर आपका डिस्क प्लेट अंदर की ओर दब रहा है तो इसे आपको क्या करना, तोता प्लायर लेकर के इस तरह से बाहर की ओर करना है, ठीक है। अगर बाहर की ओर डिस्क प्लेट आपको बेंड बता रहा है, ठीक है, अलाइनमेंट का प्रॉब्लम बता रहा है, तो इस तरह से आपको जो ठोकना है, ठीक है गाइस, इस तरह से आपको ठोकना है, ठीक है, जिस जगह में रहेगा। तो हम डिस्क प्लेट को सीधा कर लेते हैं। सो गाइस डिस अलाइन का जो प्रॉब्लम था वो हमारा क्लियर हो चुका गाइस, हम सीधा कर लिए हैं। अगर आपका इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता तो आप सीधा कर सकते हैं गाइस, आसानी से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब चलिए गाइस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोग को आगे बताते हैं। सो गाइस डिस्क ब्रेक को अच्छे से कंप्लीट कर लेने के बाद क्या करना गाइस, डिस्क ब्रेक का जो वायर है उसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है गाइस, इस तरह से आपको वायर को फिट करना है जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस, जिस तरह से आप वायर को खोलेंगे उसी तरह से वायर भी आपका फिट होगा। तो चलिए हम वायर को फिट कर लेते हैं, फिर आप लोग को आगे बताते हैं। इस तरह से गाइस आपको वायर को अच्छे से फिट कर लेना है, एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। वायर को फिट करने के बाद आपको क्या करना है, हैंडल के पास आ जाना है और लीवर को प्रेस करके देखना है, ठीक है गाइस। तो लीवर को हम प्रेस कर रहे थे गाइस बहुत ज़्यादा हार्ड बता रहा, तो थोड़ा सा हमें और ब्रेक को लूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा और ब्रेक को लूज कर लेते हैं। इस तरह से एलेंकी स्पैनर लेने के बाद थोड़ा सा आपको जो है नट को लूज करना है हल्का सा, और लीवर को हल्का सा नीचे की ओर करना है माइनर, ठीक है गाइस। इस तरह से माइनर करेंगे नीचे की ओर तो ये ब्रेक आपका लूज हो जाएगा और अपना जगह में एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है गाइस। उसका चलिए हम फिर से ब्रेक को प्रेस करके देखते हैं। जैसा कि गाइस देख पा रहे हैं हम ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं तो आप सही से वर्क कर रहा है गाइस, एकदम मिडिल पे सेट हो गया है ब्रेक, जितना हमें चाहिए था उतना पे हो गया है। अब चलिए हम आपको व्हील को घुमा के दिखाते हैं। सो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं व्हील को घुमा रहे हैं, ब्रेक को प्रेस कर एकदम सही से वर्क कर रहा है गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, व्हील भी हमारा जाम नहीं है गाइस। तो इस तरह से आपको कर लेना है, जिस तरह से बताया एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो गाइस अब चलिए हम थोड़ा सा टेस्ट करके आप लोग को दिखाते हैं साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो गाइस यहाँ पर जो है माइक फिट कर दिए हैं डिस्क का पास में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस आप लोग को हम सुनाते हैं डिस्क रिपेयर करने के बाद साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए हम ब्रेक को जो है प्रेस किए गाइस और देखिए हम आप लोग को सुनाने का कोशिश कर रहे हैं गाइस। देखिए साउंड का प्रॉब्लम जरा सा भी नहीं आ रहा, ब्रेक भी एकदम सही से वर्क कर रहा गाइस, एकदम ब्रेक भी पहले से जो है गाइस ब्रेक जो है बहुत ज़्यादा बेटर हो गया, यानी अच्छा काम कर रहा ब्रेक। देखिए थोड़ा थोड़ा भी हम ब्रेक ले रहे हैं फिर भी देखिए साउंड का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, ठीक है गाइस। देखिए जरा सा भी साउंड का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, देखिए जरा सा भी साउंड का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, जोर से ब्रेक कर रहे हैं तो देखिए साइकिल हमारा उड़ जा रहा है, यानी ब्रेक भी हमारा स्ट्रांग हो गया गाइस, फुल हार्ड ब्रेक हो गया जिस तरह गाइस। अब चलिए आप लोग को बताते हैं डिस्क में ऑयलिंग कैसे करना है, किस प्रोसेस के साथ में करना, ताकि डिस्क ब्रेक में फिर से आपका ये प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि गाइस आप डिस्क बॉक्स देख रहे हैं तो इसमें आपको ऑयलिंग कहाँ कहाँ करना गाइस, कैसे करना है, तो आपको जो है गाइस इंजन का ऑयल रहेगा इस न्यू ऑयल आपको लेना है बाइक का, ठीक है, न्यू ऑयल, और एक बूंद एकदम हल्का सा देना माइनर, जैसा कि आप देखें, ठीक है गाइस, माइनर देना है और इस जगह में भी आपको माइनर देना है एकदम हल्का सा, और नीचे में हल्का सा आपको इस जगह में देना है, ठीक है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं एकदम, ठीक है गाइस। इस तरह से माइनर आपको ऑयलिंग करना है और कहीं आपको ऑयल देने का जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। इस तरह से ऑयलिंग करना आपको, वो भी क्या मंथ में एक बार करना, ठीक है, एक महीना में
में एक बार आपको डिस्क में ऑयलिंग करना है। सो गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से बता दिया हूँ डिस्क ब्रेक में जो नॉइस का साउंड का प्रॉब्लम आता है उसे कैसे फिक्स करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके अदर दोस्तों को शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।